面白いね。चले जी, खामोशी चाहिए मुझे बिल्कुल। मेरा नाम इनाम इलाही है और मैं ड्रग आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ उधर काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैं एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एज एन आर्टिस्ट एंड कैलीग्राफर काम कर रहा हूँ, साथ में ड्रग आर्ट में मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। इसके अलावा हमारे मतलब के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट होते हैं उसमें ट्रक आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं इससे पहले मतलब शुरू में मैं टेक्सला में, पिंडी में और कराची में काम कर चुका हूँ और अभी मैं आजकल मैं लाहौर में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम आज हम इकट्ठे हुए हैं ट्रक आर्ट को मतलब सीखने के लिए कि ट्रक आर्ट होता क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और अब किस स्टेज पे है। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट, ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि ये ट्रक आर्ट जो होता है सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में और इंडिया में होता है, लेकिन जो सबसे अच्छा जो है आर्ट वो पाकिस्तान में होता है। इसमें एक हमें हमारा कल्चर ट्रेडिशन वो चीज़ें जो होती है उसके साथ सबसे ज़्यादा सरकार कागज या कैनवस इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान में कुछ लोग अपने तकनीकी काम के लिए मुख्तलिफ मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। गुज़िश्ता दिहाइयों से पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट में कार्गो ट्रक पेंटिंग रिवायत का मुनफरिद और एक अहम हिस्सा बन चुकी है। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की तारीख, पाकिस्तानी ट्रक आर्ट हमें हमारी सकाफती तारीख, रवायात और सकाफती कहानियाँ बताता है। कदीम वक्त में जब नकलो हमल के लिए ऊंट और ऊंट तो वो शानदार और बरक्स रंगों के साथ सजाए जाते थे। बताने का मकसद ये कि ट्रक आर्ट शुरू कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, उसका स्टार्ट कैसे हुआ था। अच्छा, इन चीज़ों को जो ऊंट गाड़ी है, बैलगाड़ी और इन चीज़ों को सजाया इसलिए जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं, मुसाफिर हैं, उनको अपनी तरफ मुतवजा करते थे। लोग अपनी बैलगाड़ियों को भी रंगों के साथ सजाते थे, गधा गाड़ी, तांगा और बकरियों को भी रंगों से मुजयन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम रिक्शों, बसों और ट्रकों पर होने लगा और ट्रक आर्ट के नाम से भी शुरू हो गया। अब अपनी गाड़ी पर ट्रक पेंटिंग या ट्रक आर्ट करवाना ट्रक मालकान के लिए फख्र की अलामत समझा जाता है। ट्रक आर्ट ट्रक ड्राइवरों के लिए तफरी का एक जरिया भी समझा जाता है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर एक लंबे और थकान देने वाले और बोरिंग सफर पर होते हैं। अब ये इसकी कॉस्ट वगैरह वो कितनी आती है एक ट्रक को डेकोरेट करने के लिए। एक ऐसे मुल्क में जहाँ फीकस आमदनी बहुत ही कम है, लेकिन तजिब की बात है कि ट्रक मालकान 3 लाख से 5 लाख तक डेकोरेशन पर खर्च करते हैं। एक कपल ट्रक को सजाने या डेकोरेट करने के लिए 4 से 6 माह का अर्सा लग जाता है। पेंटिंग करने के लिए ट्रक पेंटर ट्रक मालिक से पूछता है कि आपका पसंदीदा अदाकार या अदाकारा या स्पोर्ट्स स्टार, गुरुकार या मशहूर पसंदीदा शख्सियत को किसी है। कुछ ट्रक मालकान अपनी या अपने बेटे की पोर्ट्रेट ट्रक की बैक साइड पर बनवाते हैं। देखा है आपने, अभी कुछ इमेजिनेशन हो रही है आपको कि ट्रक का है क्या। कुछ लोग नेशनल हीरो की तस्वीर भी बनवाना पसंद करते हैं। ये के मुख्य